हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी डेली जॉब अपडेट पर। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है होंडा कार इंडिया कंपनी की तरफ से, जिसमें आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए भर्ती होने वाली है। एफटी में 2 साल के लिए आप लोगों को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। अगर आप फ्रेशर भी जाते हैं तो आपको यहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और दूसरे साल में आपको यहाँ पर 24,320 रुपये पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। और जिनके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है उन कैंडिडेट को यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 24,320 रुपये पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। 2 साल के लिए कंपनी रखेगी। भारी मात्रा में लड़कों की आवश्यकता है। सबसे मेन बात यह है कि कंपनी का जो कैंपस लगने वाला है वो ऑफलाइन लग रहा है। ऑफलाइन सभी छात्र इसमें जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 100% कैंपस प्लेसमेंट में हमारे चैनल पर आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए डालता हूँ, उसी क्रम में दोस्तों आज की भर्ती होने वाली है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही गाइज, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइज, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यदि आपको किसी भी संस्थान में कार्य करने का अनुभव है तो आपका चयन 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, जिसमें कैजुअल बेसिस पर आपको यहाँ पर 24,320 रुपये पर मंथ सैलरी मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल 100% सही है। ऐसा ही मैंने थंबनेल पर लिखा था, यहाँ पर किसी भी अदर चैनल की तरह बढ़ाकर नहीं लिखा जाता है कुछ भी, आपको दिख गया होगा। ये जो कैंपस प्लेसमेंट होगा, सबसे पहले मैं बात बता दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए हैं। यूपी से जिन छात्रों ने आईटीआई पास की हुई है वो छात्र इसमें जा पाएंगे। जिन छात्रों ने आईटीआई फीटर, मैकेनिक, टर्नर, पेंटर, वेल्डर और डेंटर ट्रेड से आईटीआई पास आउट किया हुआ है वो छात्र इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। एज लिमिट फ्रेशर के लिए 18 से 23 साल रखी है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी का प्लेसमेंट 3 वर्ष के लिए होगा, जिसमें 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप और 2 वर्ष का कैजुअल आपका रहेगा। थंबनेल पर मैंने सिर्फ 2 वर्ष लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो होगा वो 3 वर्ष के लिए होगा, उसको भी मैं चेंज कर दूंगा। 3 साल के लिए आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब मिलेगी। इसमें आपको पहले वर्ष जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 13,450 रुपये और दूसरे साल 24,320 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन दिनांक 17 मई 2022, यानी कि 17/5/2022 को JSITI पालीपत्ती में, जो कि है वाराणसी में, इसका आयोजन किया जाएगा। सो गाइज, आप लोग जो भी ITI पास हैं और जिन्होंने फीटर, मैकेनिक, टर्नर, पेंटर, वेल्डर और डेंटर ट्रेड से आईटीआई पास आउट किया हुआ है वो कैंडिडेट अपना आधार कार्ड ले जाएंगे। JSITI पालीपति कैंपस में अपना आधार कार्ड ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना है। याद रखिएगा, जो छात्र हरुआ पिंडरा ब्लॉक के हैं वो 10/5/2022 को, यानी कि आज, कैंपस में जाना है। और बड़ा गांव सेवापुरी ब्लॉक के छात्र 11/5/2022 को जाएंगे और चोलापुर चिराय ब्लॉक के छात्र 12/5/2022 को कैंपस में जाना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन 17/5/2022 को किया जाएगा। सो गाइज, आप की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कैंपस प्लेसमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।